बदनामी नहीं होगी यार, आप परेशान ना हो। ओके ओके, मतलब फिर तो आपसे किसी भी वक्त दोबारा मुलाकात हो सकती है। इसीलिए तो आपसे टाइमिंग पूछ रही हूँ। इस टाइम कौन आ गया? अच्छा, कौन? अच्छा, आ गई जी, आ जल्दी आ जाए। बस यही रख दें। कितनी आपका सिलेंडर गैस भर रही है इसके अंदर? वही जो हर मंथ आप भरवाते थे। पिछले महीने जो आप गैस भर के देख गए थे, सारी पीली गैस छोड़ा था। सही, गैस तो नहीं भरी हुई थी इसके अंदर। तो कोई मसला नहीं है, मैंने इस बार आपको ना अच्छी वाली गैस दी है। देखें, आप पैसे पूरे लेते हैं तो गैस अच्छी दिया करें। अब पता नहीं इस दफा क्या पोजीशन निकलती है, जो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपका सिलेंडर जो काफी वजनी और हैवी है, मैम आप पैसे दे देना तो काइंडली, मैं मुझे जल्दी थोड़ी जरूरत। अच्छा, बैठे तो सही ना, फिर देती हूँ आपको मैं। आज आए बैठे तो सही। आज आज इधर आ जाए। तो मैम आप पैसे दे देती ना, आप यहाँ क्यों बिठा रही है मुझे? मैंने जल्दी आपको बता रहा हूँ, जल्दी है थोड़ी सी। अरे बैठे तो सही आप, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आपको? मैं आपको बता रहा हूँ, दुकान मेरी खुली हुई है, दुकान पे वैसे भी कोई नहीं है। ऐसे तो आपको सिलेंडर बनाने के लिए आया था, तो दुकान पे कोई नहीं होता इस टाइम? दुकान नहीं कोई नहीं है, जो शागिर्द है वो खाना खाने गया। पे किस टाइम आप अकेले होते हैं? मैं रात ही होता हूँ वैसे। हाँ अच्छा, रात को कितने बजे तक? यही 10-11 बजे तक। मैडम आप किस तरह की बातें कर रही हैं? आप जल्दी मुझे पैसे दें ताकि जाऊं। आपके घर में अकेली है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। ठीक है, ये ना कोई आ जाए या कोई मेरी शिकायत लगा दे आपके हस्बैंड को, तो मेरी वैसे भी बड़ी इज्जत है, मेहरबानी अरे आपकी। आप परेशान ना हो, मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो वैसे भी घर पे नहीं आते। कहाँ गए आपके हस्बैंड? वो उनके छोड़ दो, तो घर पे होते नहीं है। वो सिर्फ आते हैं हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, कभी देर भी हो जाती है, कभी 1 महीना भी हो जाता है। मतलब कि वो आपको टाइम नहीं देते? नहीं, वो बहुत कम आता है। मैं तो हैरान हूं, आप जैसी इतनी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी वो आपको टाइम नहीं देते, तो फिर वो टाइम किसका देते हैं? नहीं, आप उनसे पूछ लीजिए। कहीं कोई दूसरा चक्कर तो नहीं आ गया उन्होंने चलाया? कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे बड़ी अजीब सी बात है सुनने में कि आप जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है, और आपके शोहर आपको ही नहीं टाइम देते। और मुझे तो जहां तक लगता है शायद वो बाहर इंटरेस्ट रखते हैं किसी दूसरी औरत में। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं। मैं परेशान नहीं हो रहा, मैं सिर्फ अपनी इज्जत से डरता हूँ कि मेरी कहीं मोहल्ले में बदनामी ना हो जाए। बाकी अगर आपको कोई इशू नहीं है तो चलिए, फिर कोई इशू नहीं है। मैम बदनामी नहीं हो गया, आप परेशान ना हो। ओके, तो क्या आप भी इस वक्त घर में अकेली रहती हैं? इस वक्त क्या, मैं हर टाइम अकेली होती हूँ। ओके, मतलब फिर तो आपसे किसी भी वक्त दोबारा मुलाकात हो सकती है। इसीलिए तो आपसे टाइमिंग पूछ रही हूँ, मतलब शॉप पे आने की टाइमिंग पूछ रही मैडम हूँ। आप हमारी टेंशन ना लें, हम तो आपके लिए हर वक्त फ्री फ्री हैं। आप जब भी बुलाएंगे हम भाग के आएंगे।
बस ये कोशिश कीजिएगा कि भी गली में किसी को पता होना चाहिए कि मैं आपके घर में आता हूँ। अरे आप बेफिक्र रहे, मैं हूं ना, सब संभाल। चले, हमारी भी किस्मत शायद इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि आप जैसा होने और खूबसूरत दोस्त हमें मिलता। पक्की फ्रेंडशिप? पक्की। अच्छा आप ऐसा करें, मुझे अपना नंबर दें ताकि हम बाकी बातें फोन पे कर सकें। ओके, नंबर मैं आपको मिस कॉल कर दूंगी, ठीक है? शायद आपको पता हो कि मैंने एक दो बार पहले भी अपना कार्ड दिया है, बस वो समझ ले वो मेरा नंबर है। ओके, थैंक यू। उसी नंबर पे आप मैसेज छोड़ दीजिएगा तो मैं जैसे देखूंगा आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप मुझे अकाउंट नंबर भी दे दें, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। अरे नहीं यार, आप बेफिक्र हैं, वो आपसे दोस्ती होगी तो आपसे ऐसे किस चीज़ का लेंगे। बस कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको बात बताई है, बाकी आप सेंडर के पैसे दें, बाकी आप सेंडर के पैसे रहने दें। अगर आपको एक और सेंडर चाहिए हो तो हम वो भी आपको दे जाएंगे। ओके। ओ मैं तो बातों बातों में भूल गया, मैं तो दुकान खुली छोड़ के। अच्छा ठीक है, बाकी आपसे फोन पे बात होगी। लाजमी मुझे वॉइस मैसेज छोड़ दिएगा, ठीक है? ओके। अभी मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ी जल्दी है, मैं फिर दुकान बंद करके आऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।